So now we want to find the equation of normal or normals. मतलब कि in case if there are more than one normal is there to the curve y is equal to x cube minus 3x, which are parallel to this line 2x plus 18y equal to 9. तो अगर हम इस लाइन को देखें सबसे पहले, so in this line if we want to evaluate the slope of this line. तो इस लाइन को हम लिख सकते हैं 18y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 9. सो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 बाई 18 टाइम्स ऑफ x प्लस 9 बाई 18. सो नाउ वी कैन कंपेयर इट विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. एम जो है वो आ गया माइनस का 2 बाई 18, तो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी कैन से दैट माइनस का 1 बाई 9. तो जो नॉर्मल होना चाहिए वो, अगर जो नॉर्मल हमको चाहिए वो अगर पैरेलल है इस लाइन के, इफ इट इज अ पैरेलल टू दिस लाइन, तो उसका स्लोप जो है, अभी जो नॉर्मल का जो स्लोप है वो माइनस का 1/9 होना चाहिए. ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है. और नॉर्मल है इस कर्व के लिए, ठीक है. तो अब आप देखो कि जिस पॉइंट पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, पहले तो हमको वो पॉइंट पता होने चाहिए. तो नॉर्मल का स्लोप ऑन दोज पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर एक है तो एक, या फिर एक से ज़्यादा अगर पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं जिस पे कि जो नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे वो पैरेलल होगा इस गिवन लाइन के, तो वो जो पॉइंट होगा वो ऑन द कर्व होगा. तो अब हमको जो है किसी भी लाइन की, नॉर्मल क्या है, बेसिकली एक लाइन ही है, तो किसी लाइन का अगर हमको इक्वेशन लिखना है तो बेसिकली हमें वो पॉइंट पता होना चाहिए जिस पॉइंट पर हम नॉर्मल का इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं. तो उस पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल का इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, तो अगर हम नॉर्मल का स्लोप अगर देखें, तो नॉर्मल का स्लोप होता क्या है, बेसिकली माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई एट दैट पॉइंट, अगर किसी भी पॉइंट पर बात हो रही है. तो वी कैन स्टार्ट विद डी वाई बाई डी एक्स. तो अगर हम डी वाई बाई डी एक्स इवेलुएट करें, वो आ गया आपके पास में 3x² माइनस ऑफ 3. ये तो आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट. बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो नॉर्मल का स्लोप और इस लाइन का जो स्लोप है वो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर. तो नॉर्मल का स्लोप जो है वो किसी भी पॉइंट पर, तो अगर हमने वो पॉइंट एक्स कॉमा वाई ही मान लिया, तो एक्स कॉमा वाई इज एनी जनरल पॉइंट, मतलब किसी भी कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स पर अगर कोई पॉइंट आपने पी लिया जिसके कोऑर्डिनेट आपने माने एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कॉमा वाई तो कोई भी एक जनरल पॉइंट हो गया उस कर्व पर. उस कर्व पर ही अगर हम बात करें कि इस कर्व पर एट एनी जनरल पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो है 3x² माइनस 3, ठीक है. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो है माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई. तो डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी वाई में क्या रिलेशन होता है, हमको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स इज सेम एज सेइंग 1/dx ओवर डी वाई. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो तो माइनस ऑफ डी एक्स ओवर डी वाई है. तो ये जो आपके पास में आया इसका रेसिप्रोकल करके एक माइनस लगा दो, तो इसका रेसिप्रोकल करके अगर हम एक माइनस लगा देंगे तो माइनस ऑफ 1/3x² माइनस 3. दिस डिनोट्स द स्लोप ऑफ नॉर्मल. दिस डिनोट्स, नाउ वी कैन से दिस इज, वी कैन राइट इट ऑल्सो, दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एनी जनरल पॉइंट ऑन कर्व एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक है. अब इस जनरल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो तो एक्स कॉमा वाई है. तो अगर हम ये जो जनरल पॉइंट पे जो नॉर्मल का स्लोप आ गया इसको अगर हम बराबर कर दें, जो हमारा रिक्वायरमेंट है कि जो नॉर्मल है वो पैरेलल होना चाहिए इस लाइन के, तो अगर दो लाइन पैरेलल है, तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप जो है वो इक्वल होंगे. अगर मान लो ये एम वन है ये एम टू है, तो इनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो इसको अगर हम इक्वेट कर दें, नाउ इक्वेटिंग टू माइनस का 1/9, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन और दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर अभी आप देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 9, सो दिस इज 3x² इज इक्वल टू 12, सो x² इज इक्वल टू 4, मतलब कि x की जो वैल्यू है वो 2 और x की वैल्यू -2.
तो अब हमारे पास में यहाँ पर x की दो वैल्यू आ रही हैं, x की दो वैल्यू आ रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी कर्व है उस कर्व पर दो ऐसे नॉर्मल होंगे जो कि पैरेलल होंगे फॉर द गिवन लाइन। ये जो गिवन लाइन है, इस गिवन लाइन के पैरेलल में दो यहाँ पर नॉर्मल होंगे, और वो दो नॉर्मल कहाँ पर होंगे, जहाँ पर x का वैल्यू 2 है एक बार और x का वैल्यू -2 है। तो अगर x का वैल्यू 2 है तो एक पॉइंट मिल गया लेट से P1 और ये पॉइंट मिल गया P2। तो इसका y कोऑर्डिनेट पता करने के लिए आप x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू -2 जो है वो हम इस कर्व में रख दें। तो इस कर्व पर जो पॉइंट है, लेट से पॉइंट है हमारे पास में, हम बोल सकते हैं P1। तो P1 पॉइंट के लिए जो कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आ गया, x का वैल्यू 2 रख दिया आपने यहाँ पर, x का वैल्यू 2 इसमें रखा, तो ये कितना आ जाएगा 8 -6, तो दैट इज 2। तो 2,2 आ गया P1 पॉइंट। ठीक है, अब जब x का वैल्यू -2 आप रखोगे, तो x का वैल्यू -2 यहाँ पर रखेंगे तो वो P2 पॉइंट मिल जाएगा हमको। तो यहाँ से P2 पॉइंट क्या आ गया, x का वैल्यू तो -2 है, अब x का वैल्यू -2 रखेंगे तो ये बन जाएगा -8 -3 -2 दैट इज +6, तो -8 +6 तो ये कितना आ गया -2, मतलब कि ये पॉइंट आ गया हमारे पास में 2,2 और -2,-2। तो ऐसे दो पॉइंट आ गए जहां पर जो नॉर्मल है उसका स्लोप जो है वो माइनस का 1/9 है, बस इतनी सी बात है। तो अब आपको पॉइंट पता है 2,2 एंड -2,2, स्लोप तो दोनों की कितना है माइनस का 1/9 है। तो अब तो हमें केवल लाइन की इक्वेशन लिखनी है, दो लाइन की इक्वेशन जिनके पॉइंट्स पता है हमको, जिस पॉइंट से वो लाइन जा रही है वो पता है और स्लोप पता है। सो नाउ वी कैन से दैट देयर आर टू नॉर्मल्स विच आर पैरेलल टू गिवन लाइन विथ स्लोप माइनस का 1/9 पासिंग थ्रू, मतलब नॉर्मल 1 जो है वो तो पास कर रहा है 2,2 से, एंड नॉर्मल 2 जो है विच इज पासिंग थ्रू -2,-2 से। तो उनकी इक्वेशंस लिखनी है अब, तो इक्वेशंस, सो y -2 इज इक्वल टू माइनस का 1/9 x -2, एंड सेकेंड जो नॉर्मल है उसका इक्वेशन जो है वो आ जाएगा आपके पास में y +2 इज इक्वल टू माइनस का 1/9 और x +2। सो दीज आर द रिक्वायर्ड नॉर्मल्स विच आर पैरेलल टू द गिवन लाइन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात बस इतनी सी थी कि अगर कोई भी कर्व है, मान लो कुछ क्यूबिक है इस तरह से कोई कर्व है, ठीक है, अब इस कोई ये लाइन है, तो अब इस लाइन के पैरेलल में नॉर्मल्स चाहिए थे आपको, तो पैरेलल में नॉर्मल्स कुछ इस तरह से आ रहे होंगे, ये गिवन लाइन है और ये नॉर्मल्स होगा, ये यहाँ पर नॉर्मल होगा, बस ये इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर उस लाइन के पैरेलल में नॉर्मल्स है तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल भी एक लाइन की तरह ही है, और एक ये गिवन लाइन है, दिस इज गिवन लाइन, दिस इज नॉर्मल 1, दिस इज नॉर्मल 2, तो तीनों के जो स्लोप्स होंगे वो सेम होंगे। तो हमने क्या किया, उस लाइन का स्लोप हमें पता ही है, नॉर्मल का स्लोप निकाल लिया हमने जनरल फॉर्म में, और उस स्लोप को हमने लाइन की स्लोप के साथ सॉल्व कर लिया। तो x की जितनी भी वैल्यू आएंगी उन पॉइंट्स पे क्या हो रहा होगा, जो नॉर्मल होगा उस कर्व पर, जो दो पॉइंट आए हमारे पास में यहाँ पर P1 और P2, 2,2 और -2,2, उस पर जो नॉर्मल होगा वो लाइन के जो गिवन लाइन है उसके पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि वो पॉइंट्स मिले कहाँ से, उसी इक्वेशन को तो सॉल्व करके मिले हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इन द नेक्स्ट वन क्या पूछा गया हमको, अगर कोई टेंजेंट है, अच्छा द टेंजेंट टू दिस कर्व एट 1,2, इस कर्व पर 1,2 पर टेंजेंट इज पैरेलल टू द नॉर्मल एट -2,2 ऑन दिस कर्व, तो हमको a प्लस 2b का वैल्यू बताना है। अब यहाँ पर आप देखो ये जो पॉइंट है -2,2 इस कर्व पर, तो ये तो हम पुट करके चेक कर सकते हैं, -2 रखा x की जगह पर तो ये हो गया 4, और यहाँ पर -2 रखा तो -12 और +10 तो ये हो गया 14 -12 दैट इज 2, तो y का वैल्यू 2। हाँ ठीक है, मतलब ये पॉइंट जो है वो इस कर्व पर है, और यहाँ पर पॉइंट रखोगे तो वो इस कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए, वहाँ से हमको a और b में एक रिलेशन मिलेगा,
और एक और रिलेशन हमको चाहिए, तो एक और रिलेशन कहाँ से मिलेगा कि जो टेंजेंट है इस पॉइंट 1,2 पर, जो टेंजेंट है वो पैरेलल है नॉर्मल एट दिस पॉइंट फॉर दिस कर्व। तो अगर हम नॉर्मल का स्लोप निकाल लें और यहाँ से टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा हमको, दोनों को हम इक्वेट कर दें तो हमको ए और बी में एक रिलेशन मिल जाएगा। बेसिकली हमको ए प्लस टू बी का वैल्यू बताना है। तो या तो ऐसा हो जाए कभी कि ए प्लस टू बी जो है वो एक्सप्रेशन ही बन जाए कहीं पर, ऐसा कुछ हो रहा हो तो हमको ए प्लस टू बी का डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए, अदरवाइज ए का इंडिविजुअल वैल्यू और बी का इंडिविजुअल वैल्यू हम एवेल्युएट करें फिर उसको वापस इसमें रख दें, तो इसमें वापस रखने पर हमको वैल्यू मिल जाएगा। तो ए और बी दोनों का वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है वो इस कर्व पे लाई करेगा, तभी तो हम उस पर टेंजेंट की बात कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले ये जो गिवन पॉइंट है इसको हमने पुट करा दिया इस पर, तो इस पॉइंट को इस कर्व पे पुट कराने पर नाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो 1,2 अगर इसमें हमने रखा तो वाई की जगह पर 2 आ गया और एक्स की जगह पे 1 रख दिया, तो ए प्लस बी प्लस 7/2। अब 7/2 कितना हो गया, 3.5, और ये हो गया 2। तो ए प्लस बी मतलब 2 में से अगर हम 7/2 को माइनस कर देंगे तो 2 में से 3.5 माइनस किया तो माइनस का आ गया आपके पास में 1.5। तो यहाँ से ए प्लस बी जो है वो तो आ गया माइनस का कितना, माइनस का 3/2, 1.5 आया ना भाई, ये है 3.5, ये है 2, तो 2 माइनस 3.5 किया तो माइनस का 1.5 बच गया। ठीक है, ये आ गया एक रिलेशन, तो इसको हमने बोल दिया रिलेशन 1। ठीक है, अब ए और बी में एक और अगर रिलेशन मिल जाए तो फिर बस हम ए और बी की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल कर और उसको इसमें पुट कर देंगे। तो हमको क्या पूछा गया है, हमको गिवन है कि जो टेंजेंट है टू दिस कर्व इज पैरेलल टू द नॉर्मल एट -2,2 ऑन दिस कर्व। तो अगर हम नॉर्मल नॉर्मल एट माइनस मतलब एम एट लिखने का मतलब कि एम इज लेट्स से अगर मैं इसको लिख दूं, एम इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट -2,2 टू द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x+10। अगर हमको ये मिल जाए तो इसको हम इक्वेट कर देंगे किसके बराबर, नाउ दिस इज सेम एज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 1,2 इसके बराबर। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज सेम एज एम ऑफ टी मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,t टू द कर्व, टू द कर्व वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 7/2। ठीक है, तो बस हमको ये सॉल्व करना। अब आप देखो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व, तो डी वाई बाई डी एक्स इवेलुएट कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से जाएगा फ्रॉम हेयर, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स लिख दो, तो ये आ गया आपके पास में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2ax+b, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो ये तो जीरो हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो 2ax+b एट 1,2 ये इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट पर, तो यहां पर x की जगह पे 1 रख दो, y तो है ही नहीं, तो यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,2 जो है वो आ गया आपके पास में 2a+b, ये आ गया आपके पास में लेट से अल्फा। अब ये जो अल्फा है ये इसके बराबर है, किसके बराबर है, स्लोप स्लोप ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व एट -2,2। ठीक है, तो -2,2 फॉर दिस कर्व के लिए अगर आपको स्लोप निकालना है तो हमने क्या किया, यहां पर डी वाई बाई डी एक्स इवेलुएट कर दिया इसका, किसका, इसका डी वाई बाई डी एक्स इवेलुएट किया, तो यहां से लिख देते हैं इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या जाएगा, विच इज सिंपल 2x+6 आ गया। ठीक है, अब 2, -2 -2,2 अगर हम इसमें पुट कर दें तो इस से हमको क्या मिलेगा, एट -2,2 अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर आप x की जगह पर -2 पुट कर दो, तो ये आ गया आपके पास में -4+6 दैट इज 2। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, समझने वाली बात ये है, अब ये तो बता रहा है इस कर्व पर,
इस कर्व पर जो टेंजेंट है एट -2.2 पर उसका स्लोप। तो टेंजेंट का स्लोप एट द पॉइंट -2.2 पता है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? टेंजेंट का जो स्लोप है उसका रेसिप्रोकल करके माइनस कर दो, तो मतलब कि टेंजेंट का स्लोप है यहाँ पर 2, तो -1/2 हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो यहां से वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू -1/2 बाय यूजिंग द फैक्ट दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा -1 एट दैट पॉइंट। क्लियर है बात? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 2 है एट दिस पॉइंट -2.2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द सेम पॉइंट जो है वो क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट का रेसिप्रोकल करा और एक माइनस लगा दिया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट था 2, उसका किया रेसिप्रोकल दैट इज 1/2 और एक माइनस लगा दिया। अब हमको पता है दिस इज बीटा। अब हमको पता है कि ये गिवन है प्रॉब्लम में कि टेंजेंट टू द दिस कर्व एट 1.2 इज पैरेलल टू नॉर्मल टू द दिस कर्व, नॉर्मल एट दिस पॉइंट टू दिस कर्व। मतलब कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और उनका अगर हमको स्लोप पता है, तो मतलब कि उनके स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आ गया एक स्लोप, ये आ गया दूसरे स्लोप से। तो यहां से हमको मिल गया कि 2a+b का जो वैल्यू है, 2a+b का वैल्यू यहां से कितना आ गया आपके पास में, -1/2। तो ये था आपके पास में, ये था एक इक्वेशन, ये आ गया आपके पास में दूसरा इक्वेशन, दिस इज सेकेंड। ठीक है, अब आप देखो a+b इज इक्वल टू -3/2 और 2a+b इज इक्वल टू -1/2। तो अगर हम 2 में से इस इक्वेशन में से अगर इस इक्वेशन को माइनस कर दें, 2 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे, तो 2a+b माइनस ऑफ a माइनस b, तो b और b तो कैंसिल हो गया, a आ गया यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से ही आ गया, और -1/2 और +3/2 क्योंकि 2 -1 कर रहा है, तो -1/2 +3/2, तो 3/2 हो गया 1.5, -1/2 हो गया आपके पास में ओनली 0.5। तो यहां से आप देखो कि अगर 2a+b जो है वो -1/2 है, a+b जो -3/2 है, 2 -1 करने पे क्या आ गया, लेट से यहाँ पे लिख देते हैं, 2 -1 करने पर हमारे पास में आ जाएगा 2a+b माइनस ऑफ a माइनस ऑफ b, तो यहाँ से बच गया a और -1/2 और +3/2, तो ये कितना बच गया भाई, 1.5 में से अपन 0.5 हटा रहे हैं तो 1 बच गया। ए का वैल्यू आ गया आपके पास में कितना, ए का वैल्यू आ गया 1। अब ए का वैल्यू 1 आ गया, बी का वैल्यू चाहिए है, तो आप देखो ए का वैल्यू 1 आ गया, इसी में देख लो ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू चाहिए, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3/2 और ए का वैल्यू 1 यहाँ से कर दिया तो -5/2। तो बी का वैल्यू कितना आ गया, -5/2। 2 को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2b इक्वल टू कितना आ गया, -5। तो 2b इक्वल टू आ गया -5, a जो है वो कितना है, 1 है, तो a+2b कितना आ गया आपके पास में, -4। ठीक है ना भाई, यहाँ से तो कर सकते हैं अपन, a का वैल्यू 1 आया, a का वैल्यू 1 यहाँ रखा, तो b का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, -3/2 -1, मतलब कि -5/2। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2b आ गया कितना, -5। अब 2b -5 है, 2b का वैल्यू -5 है, a का वैल्यू 1 है, तो -5 + 1 करने पे कितना आ गया, -4। सो हेंस अवर आंसर इज दिस इज इक्वल टू -4। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो ये जो है हमारे पास में फाइनल आंसर आ गया। अब इम्पॉर्टेंट बात बस इतनी सी थी कि हमको बस करना क्या था, नॉर्मल का स्लोप निकालना था और टेंजेंट का स्लोप निकालना था और दोनों को इक्वेट करना था। तो वहां से हमको एक रिलेशन मिल गया, ये 2a+b इज इक्वल टू -1/2, और ये जो पॉइंट है वो इस कर्व पे लाई करेगा, तो यहाँ से हमको एक और रिलेशन मिल गया a+b में। दो अननोन है, दो रिलेशन है, a और b के हमने इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यहाँ पर पुट कर दिया, a का वैल्यू 1, 2b का वैल्यू -5, तो हमारे पास में फाइनली आंसर आ गया -4। सो आई गेस दिस इज क्लियर। ठीक है बात, चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स के पावर में वाई है वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ये कर्व गिवन है इम्प्लिसिट फॉर्म में, और
कहाँ पर बताना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जहां पर ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कट करता है। तो सबसे पहले तो वो पॉइंट निकाल लेते हैं जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो अगर ये कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, लेट से इट कट्स एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट लेट से पी, तो उस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो जीरो होगा। तो मतलब कि पुट y इक्वल टू जीरो इन द कर्व, इसको अगर हम इक्वेशन वन बोल रहे हैं तो इन वन, तो y इक्वल टू जीरो हमने पुट किया। y इक्वल टू जीरो पुट करने से ये पार्ट तो वन बन गया और ये जीरो हो गया, तो x कितना आ गया आपके पास में, वन आ गया। तो x आ गया आपके पास में वन, y तो ऑलरेडी जीरो है, तो जो p पॉइंट है वो पॉइंट आ गया आपके पास में वन कॉमा जीरो। सो बेसिकली अब आपको क्या करना है, वन कॉमा जीरो जो पॉइंट है उस पॉइंट पर आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी, इतनी सी बात है। तो अब नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, स्लोप ऑफ दैट, मतलब एक लाइन की इक्वेशन लिखना है, वो लाइन 1,0 से जा रही है, तो अगर उसका स्लोप आपको पता चल गया तो बात बन गई। अब यहाँ पर आप देखो ये इम्प्लिसिट फॉर्म में है, तो अगर हम इसका dy by dx निकालें एट एनी पॉइंट या फिर एट पॉइंट पी, अगर हम इस पर टेंजेंट की स्लोप निकाल दें एट द पॉइंट पी, तो टेंजेंट की स्लोप और नॉर्मल की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा, क्योंकि वो तो क्या है, दो परपेंडिकुलर लाइन्स है, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर हम देखें कि हमको अगर dy by dx ही इनिशियली, इफ वी आर एबल टू इवेलुएट dy by dx एट p, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है एट p जो है वो क्या हो जाएगा, -1/dy/dx at p। एक ही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ से dy by dx इवेलुएट करने के लिए हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, वन। वाई का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स पावर वाई का डिफरेंशिएशन जो है या तो आप अलग से कर लो, तो अगर हमने इसको मान लिया कि लेट से वी वॉन्ट टू इवेल्युएट सेपरेटली, ठीक है, अगर हम अलग से x पावर y का डिफरेंशिएशन हम करना चाह रहे हैं, तो x पावर y का डैश वी वांट टू इवेल्युएट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x पावर y को हम लिख सकते हैं e की पावर में ln x पावर y, ठीक है। फिर यहाँ तो अभी केवल सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, ठीक है ना, अभी यहाँ पर डेरिवेटिव कुछ नहीं किया है, ठीक है, ये हम इवेल्युएट करना चाह रहे हैं। और x पावर y को अभी हमने बस जो है क्या किया है, x पावर y को अभी हमने बस ऐसा लिखा है बस, ठीक है। फिर इसी को हम लिख सकते हैं e की पावर में y आ गया ln x, ठीक है। तो अब चलो इसके ऊपर मैं डेरिवेटिव लगा दिया डैश, अब इसका डेरिवेटिव तो e की पावर में समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर में y ln x, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाइड बाय y ln x का डेरिवेटिव, चेन रूल्स है, ठीक है बात। तो ये हमको इवेल्युएट करना है। अब आप देखो y ln x लिखो या एल एन एक्स पावर वाई लिखो या एक्स पावर वाई लिखो, तो यहाँ से इसको तो हमने वापस लिख दिया एक्स पावर वाई, और वाई इंटू एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब कि प्रोडक्ट रूल, अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, तो वाई को एज इट इज रखा और एल एन एक्स का क्या कर दिया डिफरेंशिएशन, तो 1/x। फिर क्या किया हमने यहाँ पर, एल एन एक्स को एज इट इज रखा और वाई का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो एल एन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया आपके पास में। तो यहाँ से इसको हमने यहाँ पर ये जो वैल्यू आई इसको हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, तो इसको लिख दिया यहाँ पर x पावर y, y अपॉन x प्लस ln ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स वी वॉन्ट टू इवेल्युएट एट दिस पॉइंट पी 1,0, तो रेदर देन कि हम डी वाई बाई डी एक्स वाले जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को हम एक तरफ लाएं फिर सिंप्लीफाई करें, हमको तो 1,0 पर वैल्यू चाहिए। तो एट 1,0 dy/dx एट 1,0, तो dy/dx एट p दैट इज 1,0, तो आप इसमें पुट कर दो, x की जगह पे 1 रख दो, y की जगह पे 0 रख दो, तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे 0, तो dy/dx मिल जाएगा आपको एट p, ठीक है। तो dy/dx at p के लिए ये तो 1 है तो एज इट इज रह गया, अब x की जगह पे आपने रखा है 1 और y की जगह पे 0 तो ये 1 बन गया, अब x की जगह पे 1 और y की जगह पे 0 तो ये तो 0 हो गया,
और एक्स की जगह पे वन रखा तो ये एल एन वन बन गया, तो ये जीरो हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, जीरो हो गया। तो ये तो पूरा पार्ट क्या आ गया, जीरो आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स एट पी जो है इस वन को वहां शिफ्ट कर देंगे तो माइनस वन आ गया। क्लियर है बात? तो यहां से हम बोल सकते हैं कि नाउ डी वाई बाई डी एक्स एट पी इज माइनस वन। अब डी वाई बाई डी एक्स एट पी इक्वल टू माइनस वन, ये क्या बता रहा है? ये तो बता रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, जहां पर पॉइंट पी क्या है आपके पास में, वन कॉमा जीरो है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी माइनस वन है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा उसके टेंजेंट की स्लोप का रेसिप्रोकल विद अ माइनस साइन। तो माइनस वन है तो माइनस वन का रेसिप्रोकल इज अगेन माइनस वन, और एक माइनस साइन आप अप्लाई कर दोगे तो वन। ठीक है, तो ये तो ईजी सही है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया कितना, वन आ गया, और पॉइंट पता ही है वन कॉमा जीरो। तो अब ये कठिन काम है क्या? नहीं, अब कठिन क्या रह गया? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वेयर द कर्व एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स पावर वाई कट्स एक्स एक्सिस, तो दैट इज एट वन कॉमा जीरो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट वन कॉमा जीरो जो है वो माइनस वन है, हैंस स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो हो जाएगा माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई एट वन कॉमा जीरो इज वन, बिकॉज वी नो दैट रिलेशन बिटवीन डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स अपॉन डी वाई इज दिस वन। ओके, तो अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने लिख दिया। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस जीरो इज इक्वल टू स्लोप इज वन इंटू एक्स माइनस वन, सो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल वी हैव। ठीक है, ये आ गया अपने पास में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब आप देखो यहाँ पर